टीवी क्वीन एकता कपूर ने जब से बताया है कि वो अपने फेमस टीवी शो कसौटी जिंदगी को बनाने वाली हैं, तभी से फैंस के बीच इस शो को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ने लगा। इसके बाद एकता ने एक और फैंस को सरप्राइज दिया जब उन्होंने एरिका फर्नांडिस को नई प्रेरणा के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन आखिर एरिका को प्रेरणा का ये आइकॉनिक किरदार कैसे मिला, कैसे सोनाक्षी बोस से सीधा प्रेरणा शर्मा बन गई एरिका, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। वेल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एरिका को कसौटी जिंदगी की 2 के लिए ऑडिशन देना पड़ा तो आप गलत हैं। बल्कि उन्हें तो ये शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी की वजह से ही मिला है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में कोलकाता में जहाँ कसौटी की शूटिंग चल रही है, वहाँ मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एरिका के कास्टिंग के बारे में खुलासा करते हुए खुद एकता कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। एकता ने कहा है कि शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के प्रोमो में एरिका को देख वो उनकी फैन हो गई थी। एकता ने कहा, मुझे लगता है कि ये बात अविश्वसनीय है और एरिका भी इसके बारे में नहीं जानती। 2-3 साल पहले मैं छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स के साथ कोलकाता आई थी। मुझे याद है कि किसी ने फेसबुक पर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का प्रोमो डाला था। मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने प्रोमो देखा और मैंने तुरंत किसी को कॉल लगाया और ये पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस लड़की का नाम एरिका है। फिर क्या, इसके बाद से मैं तभी से एरिका को कास्ट करना चाहती थी और जब उनका शो खत्म हुआ तो मैंने उन्हें शो ऑफर कर दिया। वेल, अगर बात करें शो के प्रोमो की तो इसमें एरिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। अब ऐसे में सबको इंतजार है एरिका को प्रेरणा बना देखने के लिए। तो अब देखते हैं कि जिस तरह कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सोनाक्षी बोस बनकर एरिका ने सबका दिल जीता, क्या इस शो के जरिए भी वो आम लोगों को अपना दीवाना बना पाएंगी।